धरती माँ जे गो माता गूंज रहा है मंत्र महान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वानंद गो विज्ञान पर। दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, काफी खास है। आज हम लोग देसी गाय के गोबर से, हाँ दोस्तों देसी गाय के गोबर से श्रीयंत्र बनाना सीखेंगे और इन श्रीयंत्र की काफी डिमांड है। और हमारे शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और सोचिए अगर देसी गाय के गोबर से अगर हम लोग श्रीयंत्र बनाते हैं तो वो कितना शुभ फलदायी होगा। इस श्रीयंत्र को आप अपनी पूजा में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, जो व्यापारी जो मित्र है वो अपने कैश काउंटर में गल्ले में इस श्रीयंत्र को रख सकते हैं और साक्षात लक्ष्मी जी का वास इस श्रीयंत्र के अंदर होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इस प्रकार से देसी गौ माता के गोबर से श्रीयंत्र बनाना सीखेंगे। इस श्रीयंत्र को मोल्ड को बनाने के लिए हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी हम लोगों को परिश्रम करना पड़ा। पहले हम लोगों ने 5 पार्ट्स का बनाया, उसके बाद में हम लोगों को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई, फिर हम लोगों ने 3 पार्ट्स वाला बनाया, उसमें भी काफी दिक्कत आई, उसमें लाइनिंग्स आ रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने दोस्तों 1 पार्ट का सिंगल पार्ट्स वाला हम लोगों ने इसमें ये मोल्ड बनाया। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में हम लोगों ने किस तरीके से यह श्रीयंत्र बनाया देसी गाय के गोबर से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्वानंद गो विज्ञान इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये है वो मोल्ड जिसकी मदद से अभी हम लोग श्रीयंत्र बनाने वाले हैं देसी गौ माता के गोबर से। तो सबसे पहले हम लोग इस मोल्ड में तेल लगा लेंगे। ये देखिए तेल, एक बार अगर आप तेल लगाते हैं तो उससे आप कम से कम 3-4 बार आप इसे श्रीयंत्र बना सकते हैं। ये है वो मसाला जिसमें हम लोगों ने गोबर का पाउडर और प्रीमिक्स मिलाया हुआ है। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग पीछे जाकर वीडियोस में देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग इस मसाले को तैयार करते हैं। इस मसाले को थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाना है जब भी यूज करेंगे, और इस प्रकार से अब हम लोग इसमें मसाला भरना चालू करेंगे। सबसे पहले सबसे नीचे वाला टॉप वाला जो हिस्सा है इसमें मसाला भरेंगे, ताकि जो डिजाइन है वो अच्छे से इसके ऊपर इसका इम्प्रेशन अच्छे से आ जाए। ये देखिए किस प्रकार से मैं इसको दबा रहा हूँ। पहली वाली जो लेयर है काफी महत्वपूर्ण होती है, इसमें आपको इसको दबा दबा के भरना है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक डिजाइन है और इस श्रीयंत्र का बड़ा महत्व होता है, कहीं भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसके जो डायमेंशंस है बहुत ही ज्यादा उसको कैलकुलेशन करके बनाया जाता है, किस प्रकार से किसी प्रकार की कोई गलती उसमें ना हो। और इसीलिए इस मोल्ड को बनाने में हम लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा दोस्तों। इसमें मशीन में डाई में काफी दिक्कत आती थी इसको कटिंग करने के लिए। इसके बाद में इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाला इसमें भरेंगे, हल्का हाथ से दबाते रहेंगे इसको। मैं अभी बहुत फास्ट बना रहा हूँ, आपको आराम से बनाना है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और इसमें ज्यादा समय नहीं लगे, इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। आप जब भी बनाएंगे तो आराम से बनाएंगे, ताकि हर एक डिजाइन अच्छे से आए। इस प्रकार से इसमें मसाला भर दिया है, हो सकता है इसमें कुछ अच्छे से डिजाइन उतनी ना आ पाए फिनिशिंग के कारण, अपना मैं जल्दी बना रहा हूँ इसलिए, मगर आप लोग जब भी बनाएंगे तो धीरे धीरे आराम से बनाएंगे। ये देखिए इसमें मसाला भर दिया। अब हम लोग इस प्रकार से एक प्रेस लेके इसको इस प्रकार से दबा देंगे, इससे हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है एकदम समतल हो जाए और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी इसमें से निकल जाए। ये देखिए इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा मटेरियल सब निकल गया इसमें का, और इसे साफ कर लेंगे। मोल्ड के बाहर वाला जितना भी हिस्सा है उसको साफ कर ले उंगली की मदद से, इस प्रकार से साफ कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा अभी श्रीयंत्र बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अभी हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए इसको क्या करना है आपको, इस प्रकार से इसको हम लोग जमीन के ऊपर 2-3 बार इसको पटकेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे इसको, तिरछा करके इस प्रकार से इसको पटकेंगे, दोनों तीनों तरफ से एक बार पटकेंगे। तो ये थोड़ी देर में तीसरी बार में जब हम लोग इसको पटकेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया,
और ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी डिजाइन आई है। ये डिजाइन आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और एकदम प्यारी फिनिशिंग आई है। ये देख सकते हैं आप, इतना सुंदर हमारा ये श्री यंत्र बन के तैयार हो गया। इतना आसानी से और कितना जल्दी बन गया। और अगर आपको यह मोल्ड चाहिए तो इस मोल्ड को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर श्री यंत्र मोल्ड लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको यह मोल्ड उपलब्ध करा देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स कराना भूलें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें और बेल आइकन के बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए नए नए अपडेट्स को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय गो माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।